अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हफ्साज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। बस जी, ईद की मुबारकबाद के साथ ही आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आखिरी रोज़ा बहुत खैर आफियत के साथ पूरा हो गया है और यहाँ हम बस आखिरी रोज़े के अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। और जनाब, आज आप लोग बताएं कि आप लोगों का ये महीना कैसा गुजरा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कंप्लीट हो गई थी या आप लोगों ने भी लास्ट के लिए कोई ना कोई काम रखा हुआ था। क्योंकि स्पेशली ख़वातीन जो होती हैं ना, वो शॉपिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो वो कोई ना कोई एक चीज़ मैचिंग की जो है ना लास्ट में लेने के लिए छोड़ देती हैं। क्योंकि चांद रात पे मार्केट जाने का ना अपना ही मज़ा है। मार्केट जाएं, घूमें फिरें, और कुछ नहीं भी लेना हो तो कोई बात नहीं, विंडो शॉपिंग के लिए ही चले जाएं। जैसे मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे, हम लोग रात में निकल गए थे रोज़े के बाद ना, हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं लेना हमें, लेकिन हम विंडो शॉपिंग के लिए चलते हैं। बस फिर हम गए मार्केट तो विंडो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन जब हम मार्केट में पहुँचे तो हमने एक दो चीज़ें ले ली थी, ख़रीद ली थी। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पहुँचने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आप खाली हाथ घर वापस आ जाएँ, तो कुछ ना कुछ तो इंसान लेके ही घर वापस आता है। और बस फिर हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद ना मेरा मेन टारगेट था कि मैं बस जल्द से जल्द ना अपने हाथों पे मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि बस ये एक लास्ट काम ही था जो रह गया था। और बाकी हमारे सारे काम हो चुके थे, हम कोई भी काम जो है ना चांद रात के लिए नहीं रखते हैं। कोशिश करते हैं कि चांद रात से पहले पहले जितने भी काम हो वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, यहाँ पर मेरी मेहंदी भी लगी है, क्योंकि ख़वातीन का कोई भी इवेंट जो है वो मेहंदी के बगैर पूरा नहीं होता, और स्पेशली ईद। ईद तो मेहंदी के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो बस ये मेरा जो लास्ट काम था ना मेहंदी का, ये भी हो गया था। और ये देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा है। तो बस जनाब, आज का व्लॉग मेरा इतना ही। आप लोग को चांद रात एक बार फिर मुबारक हो, और दुआ करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी और खुशियों भरी गुजरे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।